सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप लोग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है ड्रॉइड स्क्रिप्ट में सोर्स कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स कोड जो है आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स जो है मिल जाएगा और उसे आप उस सोर्स कोड को कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरे कंप्लीट जो है आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको करना क्या होगा, लाइक और शेयर, ताकि मैं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड बल्ब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ड्रॉइड स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में ले चलते हैं और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे जो है आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा और आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैं अगर आपको चाहिए कि इसमें कैसे हम प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कैसे जो है इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम डेमो के लिए पर्पज के लिए हम समझ सकते हैं, उसका कोडिंग जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, अपने एंड्रॉइड फोन से एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पे आ करके बहुत सारे वीडियोस देख के और अपना खुद का एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी तरीके में आप कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, फिर भी आप जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना ऑन कर देता हूं और यहाँ पे आपको इस साइड में दिखेगा हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ड्रॉइड स्क्रिप्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ड्रॉइड स्क्रिप्ट एप्लीकेशन क्या होता है, तो मैंने ये वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, तो अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी वाले ट्यूटोरियल लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश वाले ट्यूटोरियल लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मेरा ड्रॉइड स्क्रिप्ट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स वाले देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है सोर्स कोड मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या है कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हैं और उसे रन करके देखना चाहते हैं, तो आप जो इजिली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फीचर दिया गया है, वो फीचर का क्या यूज है हम आपको बताने वाले। सबसे ऊपर में जाना है और आपको इस तीर वाले निशान पे क्लिक करना है, एरो वाले निशान पे आपको क्लिक करना है। इस एरो वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, एक लास्ट में स्टोर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस स्टोर पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखेंगे कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड लेगा और लोड लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जो भी प्रोजेक्ट चाहेंगे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। जितने प्रोजेक्ट इस स्टोर में अपलोडेड है उतना ही प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम चलिए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी गेम, यहाँ पे गेम भी बनाया गया है गाइस, बहुत सारे गेम्स भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के लिए दिखाएं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है MUI आइकन्स, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में आए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट का, कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि किसने अपलोड किया है वो देखने को मिलेगा, डेट कौन सा टूल है ये, एक तरह के कब अपलोड किया गया था, एक साल पहले ये अपलोड किया गया था। उसके बाद नीचे में डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा यस यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ठीक है हमारा ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें ओवरराइट हो जाएगा ये कोड। अब यहाँ पे बैक करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो हमारा जो डाउनलोडेड हो चुका है वो कहाँ मिलेगा,
वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, ये देख सकते हैं कि MUI icons 2 करके हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो अब आप इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो ये जो है रन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हमारा कोई और एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है गाइस, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन जो है, प्रोजेक्ट जो है हमारा ओपन हो गया, ये रन हो गया। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो सर्च कर सकते हैं। तो ये आइकन आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से प्रोजेक्ट। और भी अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी जो है प्रोजेक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस जानकारी पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका ये डाउट था कि ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा और ये ऑटोमेटिक क्या इसमें इंस्टॉल हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, आपको बस डाउनलोड करना है, ऑटोमेटिक इसमें इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।